हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विथ अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो आज मैं बताने वाला हूँ जो ट्रैकिंग हम लोग करते हैं तो वो शेप पे कैसे ट्रैकिंग डेटा को अप्लाई करते हैं। तो आज तक हम लोग को यही पता था कि जो भी हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, जैसे कि बोन ट्रैकिंग हो गया या फिर मोका ट्रैकिंग हो गया, तो हम लोग को लेयर्स पे अप्लाई करना होता है। बट तो क्या ये भी पॉसिबल है कि कोई एक सिंगल पॉइंट को, एक सिंगल शेप के पॉइंट पे अप्लाई किया जा सकता है? सो हाँ, ये पॉसिबल है। अभी ये करते कैसे वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा ये फुटेज कुछ इस तरह से, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ चार पॉइंट्स पॉइंट ट्रैक करके निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है? अभी वो मैं दिखाता हूँ क्या है। सो यहाँ से देखो, ये चार पॉइंट्स है कुछ, ये मैंने पहले से ट्रैक करके रखा है, देख सकते हो, ठीक है? तो अब आते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे शेप पे। तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट करता हूँ शेप, ठीक है? सो मैं एक कर रहा हूँ शेप क्रिएट, और इसको इसके हिसाब से अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो, इसको मैं प्ले करता हूँ तो अभी इस तरह से इस फुटेज का मूवमेंट है, ठीक है? यहाँ पे शेप आप देख सकते हो, परफेक्ट पर्सपेक्टिव में काफी मूव हो रहा है। तो अब चलते हैं, आते हैं अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है, तो ये हमारा बॉटम लेफ्ट है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रैकर वही बॉटम लेफ्ट, यहाँ पे देखो ये वाला जो है हमारा बॉटम लेफ्ट है। इस वाले पॉइंट पे कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखो मैंने कोई भी लेयर नहीं ले रखा है, ठीक है? पहले मैं ट्रैकर को सेलेक्ट करूंगा, तो ये हमारा बॉटम लेफ्ट ट्रैकर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद अपना शेप को सेलेक्ट किया, ठीक है? तो ये मेरा शेप भी सेलेक्टेड हो गया, ट्रैकर भी। अब शिफ्ट आप प्रेस करो, जो पॉइंट को पे अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करो। तो शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से आप एक सिंगल पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हो। अब करना है क्या है कि यहाँ पे आओ आप ट्रैकर में, यहाँ पे आप मोका ट्रैकिंग में आओ, ठीक है? सॉरी, मोका नहीं, पॉइंट ट्रैकर में आओ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई अप्लाई का ऑप्शन नहीं है, तो अप्लाई करेंगे कैसे? तो इस तरह से आप अब जब करते हो तो यहाँ पे देखो, अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। अभी इस पे क्लिक करने के बाद देखो क्या हुआ, ये जो शेप था हमारा, उस सारे शेप पे आपका की फ्रेम लग गया, हर एक फ्रेम पे की फ्रेम लग गया, ठीक है? तो ये शेप पे जब अप्लाई करते हो तो वो हर एक फ्रेम पे की फ्रेम बना देता है। अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट्स था वो यहाँ पे स्टिक हो रखा है, और ये जो तीनों पॉइंट्स है वो बिल्कुल भी वहाँ पे स्टिक नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल पहले जैसे है, ठीक है? तो वो जो ले ट्रैकिंग डेटा था वो सिर्फ इस वाले पॉइंट पे अप्लाई हुआ, इन तीनों पे नहीं हुआ, इसलिए ये तीनों अलग जा रहे हैं। अभी मैं इस वाले पॉइंट या फिर इस वाले पॉइंट को करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये मैंने पहले कर लिया, अभी ये तीनों बाकी है, तो इसको भी करके देखता हूँ। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये वाला हमारा है बॉटम राइट, तो बॉटम राइट ये वाला हुआ। उसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस किया, सेलेक्ट किया शेप को, शेप को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस किया, और यहाँ से ये पॉइंट को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं आया पॉइंट ट्रैकिंग में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक एंड अप्लाई। अब देखो यहाँ पे मैं इसको भी देखता हूँ प्ले करके, देखो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे स्टिक हो रहा है, अब ये दोनों पॉइंट अभी भी नहीं स्टिक हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रैकिंग डेटा जो है हर एक फ्रेम पे लग चुका है, ठीक है? तो जब भी आप अप्लाई करते हो तो वो एडिशनली यहाँ पे ऐड होता है ट्रैकिंग डेटा यहाँ पे की फ्रेम में, ठीक है? तो अब ये बचा हुआ है दो, तो इन दोनों को भी कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा है टॉप राइट, टॉप राइट ये वाला, एंड देन कंट्रोल ये, फिर शिफ्ट प्रेस करके ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आया पॉइंट ट्रैकिंग में, यहाँ पे अप्लाई, एंड देन फिर ये वाला टॉप लेफ्ट है, टॉप लेफ्ट, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, ठीक
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रहे कि जब आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये ट्रैकिंग से बाहर हो, आप रिसेप टूल में हो। ठीक है, फिर से करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने टॉप लेफ्ट स्क्वायर शिफ्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं आया इसे यहाँ पे राइट क्लिक अप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से देखो आप ट्रैकिंग जो डेटा था आपने एक पॉइंट्स पे अप्लाई करना सीखा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। इसका कहीं भी यूज़ आप करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हर फ्रेम पे जब की फ्रेम लग जाता है तो फिर आपको अगर बाय चांस कहीं पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो क्या होता है कि हर फ्रेम पे आपको जाके चेंजेस करना पड़ जाएगा, हर फ्रेम पे जाके चेक करना पड़ जाएगा। सो आई थिंक इसका कहीं यूज़ आप नहीं करो तो बेटर है। बट ऐसा कुछ आप सिल्वर्ट में कर सकते हो, मुझे बस ये बताना था। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला ट्यूटोरियल बनाया। ठीक है, तो थैंक यू।